जय सियाराम गुरुजी। जय सियाराम। कहाँ से हो? नागपुर से। बोलो। गुरुजी ये पूछना था, जो हनुमान जी ने रामायण लिखे थे पत्थर पर और बोला जाता है कि उन्होंने डाल दिया था पानी के अंदर, समुद्र में है ना, समुद्र में, तो फिर बाकी जो चीजें लिखी हुई है राम जी के बारे में, तो वो कैसे आ गया ही? बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ। श्री हनुमान जी ने अपने नाखूनों से रामायण लिखी पत्थर पर, शिला पर। उसका नाम पड़ा हनुमान नाटकम। क्या? बड़ी बड़ी शिलाओं पर जब रामायण को लिखा तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के उन शिलाखंडों को रखा। वाल्मीकि जी ने जब वह रामायण पढ़ी तो वाल्मीकि जी रामायण पहले लिख चुके थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उन्होंने पढ़ी तो उन्हें लगा कि इस रामायण के सामने हमारी रामायण तो फीकी है, और फीकी भला क्यों ना हो, जिनके साथ 2400 घंटे श्री हनुमान जी रहे उन्होंने तो हकीकत लिख दी। श्री हनुमान जी स्नान करके जा रहे थे तो श्री वाल्मीकि जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हमें पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे वो आप दोगे। हनुमान जी बोले मांगो। बोले महाराज आपने जो रामायण लिखी है उसको आप पानी में डुबा दो, नहीं तो हमारी रामायण को कोई नहीं पूछेगा, आपकी रामायण के सामने सब फीका है। हनुमान जी वचन दे चुके थे तो बोले देखो भाई हम वचन देते हैं, रामायण तो हम विसर्जित कर देंगे, लेकिन हम तुम्हें श्राप भी दे रहे, जो तुम्हारे मन में बात आई है ये कलयुग के लोगों जैसा मत्सर आ गया है, ईर्षा जलन और ऐसी आदत कलयुग के लोगों में ज्यादा होती है, तो हम तुम्हें आज ही श्राप दे रहे कि अब हमारी इसी रामायण को लिखने के लिए तुम्हें पुनः कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बने हैं। तो वाल्मीकि तुलसी भये कलिकुल के हेतु निस्तार, वाल्मीकि तुलसी भये वाल्मीकि तुलसीदासहा, तो वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बने। अब दूसरा आपने कहा था कि पर सब कैसे पता है, तो लिखने वाले तुलसीदास जी, लिखवाने वाले हनुमान जी, इसलिए पता। तब तो गोस्वामी जी कहते कवि न हो ना मैं चतुर कहाऊं, ना तो मैं कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं, तो लिखवाने वाले कौन है, लिखने वाले कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए वो सभी गुप्त रहस्यों के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, और इसलिए वाल्मीकि रामायण से ज्यादा रामचरितमानस का प्रचलन है। हाँ।